हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी मी हेल्प यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज से 5 डे पहले ये वीडियो जब अपलोड किए थे तो इस वीडियो में मैं आपको बताया था कि एक वेबसाइट ऐसा बताऊंगा जो 1 मिलियन ट्रैफिक सिर्फ 1 मंथ में अपनी वेबसाइट पे लाया है। तो कैसे लाया और कौन सा पोस्ट रैंक किया और आप कैसे पोस्ट लिखेंगे, मैं आपसे बोला था कि पार्ट 2 इसका बनाऊंगा। तो ये पार्ट नंबर 2 है, न्यू वेबसाइट स्टार्ट करके कैसे आप अपनी वेबसाइट पे मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हो, वो भी गूगल ऑर्गेनिक सर्च से, कोई सोशल मीडिया शेयरिंग नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक सर्च से ला सकते हो, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए सॉरी फ्रेंड। आपको पता है कि जो ब्लॉगर होते हैं उनके पास टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे ब्लॉगर जो है कि पैसे कमाते हैं और आप कैसे कमा सकते हो। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी यूजर फेक वीडियो बनाते हैं कि आप बैकलिंक्स बनाओ, यहाँ पे DA है, यहाँ पे PA, इतना करो वो करो, पता नहीं क्या क्या आप यहाँ से। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ आज इस वीडियो को देखिए और आप अपनी वेबसाइट पर 100% आप जेन्युइन ट्रैफिक ला सकते हो। और ऐसे बहुत सारी वेबसाइटें जो है कि अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जो है कि ला रही हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है और इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा फ्रेंड। बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं ऐसे ही ब्लॉगिंग की कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए, ताकि आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा, अगर आप एक बिगनर हैं तो कैसे आप पोस्ट लिखेंगे जिससे कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएंगी आएंगी, और किस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए, किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए, और लो कंपटीशन कीवर्ड अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। और लास्ट में पार्ट 1 का या फिर आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसको भी देख सकते हैं या फिर वीडियो पे आ करके देख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन है और यहाँ पे मैं आपको इसका रिव्यू करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कौन सी वेबसाइट है, इस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, सारा क्रेडिट इस वेबसाइट को जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली विजिटर आप देख सकते हो 2 मिलियन से ज़्यादा हैं, और यहाँ पे देख सकते हो अभी सितंबर और अक्टूबर आप देख सकते हो कैसे ये ट्रैफिक ग्रो किया है। अक्टूबर का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये कैसे ग्रो किया है ये वेबसाइट और कैसे ट्रैफिक लाया है और आप कैसे चेक कर सकते हो। मैं इस वेबसाइट का URL कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा। ऐसे बहुत सारी मेरे पास वेबसाइटें हैं जो कि मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक 1 मंथ में 15 दिन में ला रही है, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइमिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो आएंगे, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डिटेल में या फिर कोई भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए मेरे पास टूल हैं, मार्केट में आपको बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी जहाँ पे HRF टूल फ्री आपको जो है कि कम पैसे में प्रोवाइड करती होगी। तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं, अलग अलग वेबसाइटें अलग अलग दिक्कतें आती हैं, बट मैं अभी 1 ईयर से ज़्यादा से मैं यहाँ पर इस वेबसाइट को यूज कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बेस्ट है, और मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, यहाँ से RF टूल को एक्सेस करूँगा। तो आज मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ SEOToolAdda.com एक वेबसाइट है, इसका मैं लिंक दे दूँगा। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी चीप रेट में आपको यहाँ पे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप मेरे डैशबोर्ड में जाएंगे, बहुत सारे टूल्स मैं यहाँ पे ले रखा हूँ, आप देख सकते हो ये सारे टूल्स आप ले सकते हो। और यहाँ पे अभी यहाँ पे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आप यहाँ से ले सकते हो, और आपको इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे ये सोचोगे कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं, आपकी मर्ज़ी कहीं से भी ले सकते हो, बट मैं जो यूज कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे आ गए हैं साइट एक्सप्लोरर पे, और यहाँ पे साइट एक्सप्लोरर पे मैं क्लिक करूँगा और जो वेबसाइट का URL मैं कॉपी किया हूँ पेस्ट किया यहाँ पे करूँगा। तो देखिए अगर आपको कोई भी रिसर्च करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, वेबसाइट का एनालाइज करना है, ये सब करने के लिए आपको कोई एक टूल होना चाहिए। देखिए अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके पास टूल होना ज़रूरी है, तभी आप जो है कि अपने कंपटीटर के बारे में जान सकते हैं, कैसे वो पोस्ट रैंक करा रहा है, कौन सी पोस्ट पे कितना बैकलिंक्स बनाया, आप कैसे वर्क कर सकते हो। काफ़ी यूजर कहते हैं आप फ्री में काम करो, आप यहाँ से रिसर्च करो, फ्री वाला यूज़ करो, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है फ्रेंड। अब जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे हम रिसर्च करते हैं और इस वेबसाइट को यहाँ पे जाते हैं डोमेन पे या और यहाँ पे चाहे URL पे, यहाँ पे 1 मिनट क्लिक करते हैं। SEOToolAdda वेबसाइट पे जा सकते हो आप, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है और यहाँ पे देख सकते हो सारा रिस्पांस आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका DAP कितना है, URL कितना है, ये जिनकी भी वेबसाइट है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो अभी हम इस वेबसाइट का एनालाइज कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा ट्रैफिक ले रही है
और सारा ट्रैफिक आप देख सकते हो। यू आर एल डिमोरेट, यहाँ पे डोमेन रेटिंग है, यू आर एल रेटिंग है, बैकलिंक्स अभी आप देख सकते हो 3800 जो 800 कुछ बना है ये बैकलिंक्स आप देख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्गेनिक कीवर्ड इनके कितने हैं, कौन से कीवर्ड रैंक किए मैं आपको बताऊंगा, और भी कुछ एग्जांपल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च पे हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट क्यों रैंक हुई है आप देख सकते हो, ये कैसे ग्रो हुई है मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, रैंकिंग वगैरह और कौन से पोस्ट रैंक हो रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो जो भी इनका पोस्ट रैंक है आप देख सकते हो, यहाँ पे फाइव टॉप फाइव कीवर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी, और ये पेज है, ये सारा पेज और पोस्ट मूवी से रिलेटेड है आप देख सकते हो, मूवी डाउनलोड से रिलेटेड, मूवी डाउनलोड से रिलेटेड, तमिल योगी मूवी डाउनलोड ऐसे करके लिंक। तो ये जितने भी पोस्ट लिखे हैं अपनी वेबसाइट पे, टॉप फाइव पेज आप देख सकते हो, जो भी पेज बना है ये सारा मूवी से रिलेटेड। मैं आपसे एक साल हो गया फ्रेंड, मैं अपने चैनल पे बनाया था कि मूवी वेबसाइट बनाओ, मूवी वेबसाइट बनाओ, ट्रैफिक लाओ। और मैं आपको, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, जो भी मेरे अर्निंग होती है मूवी साइट की, तो वहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप मुझे नहीं फॉलो किए तो ऑल हिंदी मी हेल्प सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, ऑल हिंदी मी हेल्प सर्च करने के बाद से आप मुझे रिक्वेस्ट कीजिए और फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया था कि मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट बना करके अनलिमिटेड ट्रैफिक ला करके पैसे कमा सकते हो, तो ये सब वेबसाइटें कमा रही हैं। और ऐसे मेरे पास बहुत सारी वेबसाइटें हैं, मैं यहाँ पर क्या रिसर्च करूँ। अगर आप इस फील्ड में हैं, अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च टूल है, तो आप इस टूल की मदद से आप बहुत सारे जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं आप अब यहाँ पे देखिए काम कर सकते हैं, आसानी से कीवर्ड निकाल सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप कंपटीटर जो भी इससे रिलेटेड है यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, उससे भी आइडिया ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, ये सब वेबसाइटें कैसे वर्क कर रही है। अब यहाँ पे कीवर्ड कंटेंट एक्सप्लोरर भी कर सकते हो, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च भी कर सकते हो, इंटरनल बैकलिंक रिफ्लिव डोमेन जो भी है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो मैं जो बोला था कि मैं वेबसाइट का बारे में बताऊँगा, कौन यहाँ पे वेबसाइट आप देख सकते हो, ऐसे जो कंपटीटर है ये सब वेबसाइट भी आ रहे हैं, आप इसका चेक कर सकते हो। तुम ये सारी वेबसाइटें जो है कि बहुत कम समय में अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक सिर्फ मूवी के बारे में लिख करके जो है कि ला रही है। तो अगर आप इस सब कीवर्ड पे काम करते हो तो बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। या फिर अगर आप कीवर्ड या फिर कीवर्ड जैसे कि लो कंपटीटर कीवर्ड पे काम करते हो, लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम करते हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा। जैसे कि मैं आपको कोई भी कीवर्ड बता देता हूँ, कोई भी आप कीवर्ड से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक कीवर्ड है GOD, जियो DTH रिचार्ज। अब ऐसे ही माइंड में आ गया, मैं इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ। आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कोई एक कीवर्ड पे लो कंपटीशन कीवर्ड पे काम कीजिए, ट्रैफिक लाना है, तो देखिए अगर आपकी वेबसाइट रैंक करानी है तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा। और आप फ्री वाले टूल में बिल्कुल ना पड़े कि आप फ्री में यहाँ से करो वहाँ से करो, अभी जो है कि इसका कंपटीशन बिल्कुल, ये कीवर्ड थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर मैं कोई और कीवर्ड ऐसे सर्च करता हूँ जियो रिचार्ज के ऊपर, या फिर जियो कस्टमर केयर सर्च कर सकते हैं, कोई भी आप एयरटेल कस्टमर केयर ही सर्च कर लेते हैं हम, एयरटेल कस्टमर केयर हम एक बार सर्च करके देखते हैं। तो कीवर्ड ऐसे निकाले जाते हैं फ्रेंड, आप कीवर्ड को डालें और यहाँ पे चेक कीजिए कि क्या ये लिखना आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये मीडियम है लो है और कौन सी वेबसाइटें आ रही हैं। सारा आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, मेरा वीडियो अपलोड करने का आप देख सकते हो, अभी यहाँ पर देख सकते हो मीडियम है और सर्च आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सर्च है, और CPC आप देख सकते हो $1 का है, और आप क्लिक देख सकते हो क्या मिल रहा है, पैरेंट टॉपिक भी आप देख सकते हो जियो कस्टमर केयर है, और जो भी वेबसाइटें रैंक हो रही है यहाँ पे नाम भी आ रहा है एयरटेल एयरटेल एयरटेल। तो अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी में लिखते हो, कोई हो सकता है यूजर जो कि हिंदी में भी सर्च करते हो, तो आप जो है कि इस पर अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो। ऐसे कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से आपको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो, और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास कीवर्ड टूल रिसर्च टूल होना चाहिए। और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ SEO टूल अड्डा से यूज़ कर रहा हूँ, तो आप SEO टूल अड्डा से ले सकते हो अगर मुझे फॉलो करते हो तो, बाकी आपकी मर्ज़ी कहीं से भी ले सकते हो। तो बस आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मैं आपको जैसा कि बोला था कि पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा, एक वेबसाइट का एग्जांपल दूंगा,
कि कैसे 1 मंथ में अभी आप देखते हो 6 लाख ट्रैफिक से कैसे वो 2 मिलियन ट्रैफिक पहुंचाए सिर्फ 1 मंथ में। तो मूवी से रिलेटेड पोस्ट लिखी गई हैं, तो अगर आप ये सब पोस्ट लिखते हो, मूवी रिव्यू करते हो, या फिर कीवर्ड रिसर्च करके इजी कंपटीशन, जो लो कंपटीशन कीवर्ड है उस पर काम करते हो, तो आपको बेनिफिट होने वाले हैं। बाकी अगर आप फ्री के चक्कर में पढ़ रहे हो, फ्री का रिसर्च करेंगे, फ्री का होस्टिंग लेंगे, ब्लॉगर पर वेबसाइट बनाएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत है फ्रेंड। जो भी फैक्ट है मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दिक्कत है और ऐसा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप पैसे लगाइए और पैसे का वैल्यू समझिए कि हाँ पैसे लगा रहे हैं तो मुझे काम करना पड़ेगा, तो काम कीजिए तब आपको फ़ायदा मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपको ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइटों के बारे में एग्जाम्पल दिखाता रहूँगा। ओके, और मेरे नए नए चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं लो कंपटीशन कीवर्ड, हाई सर्च कीवर्ड पे वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो उसको भी देखते रहिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक